मौखिक अभिव्यक्ति विषय कार्यक्रम के इस द्वितीय भाग में हम मौखिक अभिव्यक्ति के कतिपय पक्षों यथा भाषण आशुभाषण कहानी कहना परिचर्चा साक्षात्कार एवं मंच संचालन के बारे में चर्चा करेंगे उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम विशेष में मौखिक अभिव्यक्ति के विविध पक्षों की झलक मात्र प्रस्तुत है नमस्कार साथियों आपने मौखिक अभिव्यक्ति विषयक कार्यक्रम के प्रथम भाग में काव्य पाठ वार्तालाप और वाद विवाद के बारे में जानकारी प्राप्त की आप ये तो समझ ही गए होंगे कि अभिव्यक्ति के इन रूपों के लिए हमें भाषा प्रयोग के प्रति कितना सजग रहना होता है मौखिक अभिव्यक्ति विषयक कार्यक्रम के इस द्वितीय भाग में हम भाषण भाषण कहानी कहने साक्षात्कार और मंच संचालन के बारे में बात करेंगे तो आइए सबसे पहले हम भाषण के बारे में चर्चा करें मित्रों वक्ता की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करने के लिए भाषण एक सशक्त माध्यम है भाषण दरअसल एक कला है जिसमें किसी विषय पर क्रमबद्ध और संयोजित ढंग से अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं आज के सामाजिक सांस्कृतिक और राजनैतिक चेतना के युग में भाषण कला अत्यंत उपयोगी मानी जाती है इसी क्रम में आइए देखते हैं एक स्कूल की मॉर्निंग असेंबली का दृश्य बच्चों आज बुधवार है विद्यालय के साप्ताहिक कार्यक्रम के अनुसार आज मंदाकनी हाउस के छात्र सुमंत अनुशासन के महत्व पर अपना भाषण प्रस्तुत करेंगे सुमंत दोस्तों मैं आपके समक्ष अनुशासन के महत्व एवं इसकी आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त करूंगा प्रेरणा या स्वशासन से नियमों का पालन करना ही अनुशासन है अनुशासन दरअसल जीवन के विकास और सफलता की कुंजी है दोस्तों प्रकृति भी एक अनुशासन में बंदी है समय पर सूर्य का उदय होना और अस्त होना अनुशासन है एक क्रम से ऋतुएं आती जाती रहती हैं अनगिनत ग्रह उपग्रह मंडल में विचरण करते रहते हैं यदि एक क्षण के लिए भी इस व्यवस्था में शिथिलता आ जाए तो सृष्टि में यहां परलय की स्थिति पैदा हो जाएगी प्रकृति की यही बात सभी जीव जंतुओं पर भी लागू होती है आपने चीटियों एवं मधुमक्खियों जैसे छोटे छोटे जीवों को तो देखा ही होगा उनके अनुशासनबद्ध कार्यों से आप प्रभावित भी होंगे चीटियाँ पंक्तियों में चलकर खाद्यान्न आदि को अपने घरों में भविष्य के लिए सुरक्षित रखती हैं इसी प्रकार मधुमक्खियाँ भी परस्पर सहयोग से शहद के बड़े बड़े छत्ते तैयार कर लेती हैं मित्रों अनुशासनहीन व्यक्ति ना तो समाज का भला कर सकता है और ना ही राष्ट्र का युद्ध क्षेत्र में भी अनुशासन का महत्व सबसे अधिक होता है अतः हम सबके लिए अनुशासन में रहना नितान्त आवश्यक है यदि हम अनुशासन में रहकर काम करेंगे तो सफलता हमारे कदम चूमेगी ऐसा न करने पर हमें असफलताओं का सामना करना ही पड़ेगा इतना ही नहीं हमें असभ्य और गवार भी समझा जाएगा इसलिए अनुशासन का हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है जय हिंद बच्चों अभी अभी आपने अनुशासन के महत्व पर सुमंत का भाषण सुना ये तो आप जान ही गए होंगे कि मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करने के लिए भाषण एक सशक्त माध्यम है इस कला को निखारने के लिए हमें इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है विषय की पूरी जानकारी भावों और विचारों की क्रमबद्ध योजना आत्मविश्वास धैर्य और निर्भीकता पूर्ण प्रस्तुतिकरण उचित हावभाव तथा भावभंगिमाए यथा आवश्यक हास्यपूर्ण और व्यंग्यपूर्ण शैली मोटे तौर पर ये सभी विशेषताएं किसी अच्छे भाषण में अपेक्षित हैं मित्रों अभी हमने मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत भाषण की चर्चा की इसी सिलसिले में आशु भाषण भी बड़ा महत्वपूर्ण है आशु भाषण का अर्थ है तत्काल दिए गए विषय पर बोलना ध्यान रहे कि भाषण के लिए विषय पहले से निर्धारित होते हैं और वक्ता को तैयारी करने का पर्याप्त समय मिलता है जबकि आशुभाषण में ऐसा नहीं होता आशुभाषण में पहले से विषय की जानकारी नहीं होती इसलिए बोलने के लिए हमें पूर्व अर्जित ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है भाषण में दक्षता प्राप्त करना निंदेह एक कौशल है आशुभाषण के लिए भाषाई दक्षता तर्क शक्ति प्रत्युत्पन्न आदि गुणों की आवश्यकता होती है आइए हाँ चलते हैं एक आशुभाषण प्रतियोगिता में जहां इसके व्यावहारिक स्वरूप की जानकारी आपको मिलेगी। आशुभाषण प्रतियोगिता आरंभ करने से पहले आइए इसका नियम जान लें। प्रतियोगी सामने के डब्बे से एक पर्ची उठाएगा जिस पर आशुभाषण का विषय लिखा होगा उसे उस विषय पर तत्काल बोलना होगा अधिकतम समय सीमा दो मिनट निर्धारित की गई है तो आइए शुरू करते हैं आशुभाषण प्रतियोगिता सबसे पहले मैं अभ्युदय को आमंत्रित कर रही हूँ कि वो यहाँ आए और पर्ची निकालकर उस विषय पर तत्काल बोलें आशु भाषण के लिए मेरा विषय है निज भाषा उन्नति अह सब उन्नति को मूल हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्ति आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक है पंक्ति का आशय है सभी प्रकार की उन्नति अपनी भाषा की उन्नति में निहित है मेरे विचार से जितनी सहज अभिव्यक्ति हम अपनी भाषा में कर सकते हैं उतनी किसी अन्य भाषा में नहीं मित्रों मातृभाषा का असर हमारे चेतन अवचेतन मन पर इस प्रकार होता है कि सपने भी हम अपनी भाषा में देखते हैं विभिन्न वैज्ञानिक शोधों से भी यह सिद्ध हुआ है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए अपनी भाषा उत्तम साधन है यानी मातृभाषा के ज्ञान के बिना विकास संभव नहीं है भारतेंदु हरीश्चंद्र की यह पंक्ति यद्यपि हिंदी भाषा की उन्नति एवं प्रचार प्रसार को समर्पित है तथापि अन्य भाषाओं के विकास की पक्षधर है इसी विचार को ध्यान में रखकर स्वदेशी भाषाओं के माध्यम से ज्ञान विज्ञान की पुस्तकों का निर्माण एवं उनके प्रकाशन का भगीरथ कार्य भारत सरकार की एक संस्था वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग बखूबी कर रहा है इसलिए हम सबका यह कर्तव्य है कि हम निज भाषा के विकास के लिए निरंतर क्रियाशील रहें धन्यवाद अब बारी है दूसरे प्रतियोगी श्री आकाश की आशुभाषण के लिए मेरा विषय है हिंदी के विकास में मीडिया का योगदान साथियों आज हिंदी जिस रूप में हमारे सामने है वह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की देन है यदि आप हिंदी के पहले समाचार पत्र उदंत मारतंड को देखें तो आपको पता चलेगा कि तब से लेकर आज तक हिंदी में बहुत बदलाव आ गए हैं रेडियो एवं टेलीविजन के प्रचार प्रसार से हिंदी भाषा को नए नए शब्द एवं नई अवधारणाएं उपलब्ध हुई हैं धन्यवाद ओके okay, अब तीसरी प्रतियोगी साक्षी की बारी मित्रों आशु भाषण का मेरा आज का विषय है सारा आकाश तुम्हारा है मित्रों जीवन में यदि हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है और सफलता हमारे कदम चूमने लगती है प्रयत्नशीलता में यदि कहीं धक्का भी लग जाए तो वो भी आगे बढ़ने का सोपान समझना चाहिए इस कार्यक्रम में उल्लेखनीय है कि ड्राई सेल के संदर्भ में माइकल फैराडे सैकड़ों बार असफल रहे जी हाँ सैकड़ों बार असफल रहे और इसके बाद जब वो ड्राई सेल बनाने में कामयाब रहे तो किसी ने उनसे पूछा कि इतनी बार मिली सफलताओं के बाद मिली सफलता से आपको कैसा महसूस हो रहा है माइकल फेराडे ने तपाक से जवाब दिया बहुत अच्छा क्योंकि अब मुझे सैकड़ों तरीके ऐसे मालूम हैं जिनसे ड्राई सेल नहीं बन सकता मित्रों मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें अपने प्रयत्न की यात्रा हर हालत में जारी रखनी चाहिए जब तक कि हमें सफलता प्राप्त ना हो जाए सच पूछिए तो प्रयत्न की यह यात्रा ही हमारे वे पंख है जिनसे सारा आकाश जीता जा सकता है सेनानी करो प्रयाण अभय भावी इतिहास तुम्हारा है ये नखद अमा के भुजते हैं सारा आकाश तुम्हारा है सारा आकाश तुम्हारा है धन्यवाद नमस्कार दोस्तों और अब बारी है आशुभाषण प्रतियोगिता के निर्णय की मैं अब श्री राकेश जी से अनुरोध करूंगी कि वो इस प्रतियोगिता के विजेता की घोषणा करें मित्रों मैं आप लोगों का अधिक समय न लेते हुए सीधे प्रतियोगिता के निर्णय पर आता हूं आज की इस प्रतियोगिता भाषण की विजेता हैं सुश्री साक्षी उनका विषय था सारा आकाश तुम्हारा है साक्षी आपको बहुत बहुत बधाई मित्रों चर्चा का अगला पड़ाव है कहानी कहना या सुनना कहानी जीवन के किसी प्रसंग की एक ऐसी कथात्मक अभिव्यक्ति होती है जिसमें जिज्ञासा कौतूहल मौलिकता और रोचकता तो होती ही है साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों की भी जानकारी मिलती है कहानी कहना दरअसल एक कला है जिसमें पारंगत होने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना अपेक्षित है घटनाओं का क्रम सरलता संक्षिप्तता और सरसता रोचक एवं नाटकीय शैली सतत कौतूहल एवं जिज्ञासा संवाद संप्रेषण में संतुलन कथ्य के अनुसार ध्वनि का उतार एवं चढ़ाव मित्रों तो आइए चलते हैं वहां जहां नानी माँ कोई कहानी सुना रही हैं एक बार की बात है उज्जैन नगरी में शिप्रा नदी के तट पर प्रातः स्नान के लिए एक साधु आ गए हाथ मुंह धोने के बाद वे स्नान के लिए नदी में अभी उतरे ही थे कि हठात उनकी नजर एक बिच्छू पर पड़ी जो डूब रहा था साधु ने उस बिच्छू को बचाना चाहा। साधु ने उस बिच्छू को हाथ में लेकर किनारे पर फेंकने की कोशिश की स्वभाव बिच्छू ने उन्हें डंक मारने की कोशिश की वह हाथ से फिसलकर पानी में जा गिरा साधु ने फिर उसे बचाने की कोशिश की पर बिच्छू ने फिर उसी तरह डंक मारने का प्रयत्न किया पर साधु हठी थे भला वे हार मानने वाले कहाँ थे वे बार बार उसे बचाने की कोशिश करते रहे और बिच्छू उन्हें बार बार डंक मारने की कोशिश करता रहा फिर क्या हुआ आखिरकार साधु बिच्छू को किनारे में पहुंचाने में सफल हो गया तट पर बैठा एक व्यक्ति साधु और बिच्छू के इस खेल को काफी देर से देख रहा था उसने साधु से पूछा बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा था फिर आप उसे बचाने का प्रयत्न क्यों कर रहे थे उस पर साधु मुस्कुराते हुए बोले बिच्छू का धर्म है डंक मारना और हमारा धर्म है बचाना जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा था तो भला मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता भाई ये तो थी मेरी कहानी अब आप में से कोई कहानी सुनाए नानी मां मैं सुनाओ वैसी ही ये कहानी हाँ आप सुनाओ बेटा एक घना जंगल था उस जंगल में एक नदी थी उस नदी के तट पर एक पेड़ था जिसके ऊपर एक तोता रहता था एक दिन एक चीटा नदी के किनारे आ गया अचानक नदी की लहरें आई और चीटा पानी में जा गिरा पेड़ पर बैठा तोता चीटे को डूबते हुए देख रहा था और उसका मन पसीज गया तोते ने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और चीटे के आगे फेंक दिया चीटे ने कोशिश की और वह उस पत्ते पर चढ़ गया नदी की लहरें चीटे को पानी से बाहर ले आई और इस तरह छोटा और चीता दोनों दोस्त बन गए वाह बहुत सुंदर कहानी है भाई वाह बहुत सुंदर कहानी है इन दिलचस्प कहानियों के बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अभिव्यक्ति के एक अन्य रूप साक्षात्कार के बारे में मित्रों आप लोगों ने टीवी अखबारों पत्र-पत्रिकाओं में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का साक्षात्कार सुना देखा या पढ़ा अवश्य होगा मोटे तौर पर साक्षात्कार का अर्थ है अपने विषय में सही एवं पूरी जानकारी प्रभावशाली तरीके से सामने वाले तक पहुंचाना साक्षात्कार के प्रमुखतः दो रूप हैं पहला किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार और दूसरा पाठ्यक्रम या नौकरी के लिए साक्षात्कार किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से साक्षात्कार लेने के समय साक्षात्कारकर्ता को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है जैसे व्यक्ति विशेष की गरिमा उनके कार्यक्षेत्र एवं अवदान आदि के बारे में यथासंभव पूरी जानकारी और ध्यान रहे कि साक्षात्कार की भाषा शिष्ट और विनम्र होनी चाहिए इसी प्रकार दूसरे तरह के साक्षात्कार में साक्षात्कार देने वाले को कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जैसे कि उपयुक्त वेशभूषा साक्ष्य समर्थित कथन विषय पर आधिपत्य संयत एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति तो आइए देखते हैं एक साक्षात्कार जो कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती के लिए आयोजित है दिखे 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 दिखे। मैं ही नमस्कार नमस्कार। सर। नमस्कार। आइए अपना स्थान ग्रहण कीजिए जी धन्यवाद आपका नाम जी मेरा नाम प्रमोद शर्मा है आपने सी डेक नोएडा से कंप्यूटर में डिप्लोमा किया हुआ है जी आपने इस डिप्लोमा में कौन कौन सी भाषाएं सीखी हैं जी मैंने सी सी प्लस प्लस और सी शार्प सीखा हुआ है ओके okay. डॉस क्या है और ये क्या काम करता है जी डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का संक्षिप्त रूप है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और प्रोग्राम चलाता है hmm, क्या है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जिसके अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल एक्सेस और पावर पॉइंट आते हैं शब्द संसाधक से क्या अभिप्राय है ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी सहायता से साफ़ तथा सुंदर दस्तावेज़ आसानी से और शीघ्रता से तैयार कर सकते हैं पत्र सूची रिपोर्ट आदि बनाने में ये काफ़ी सुविधाजनक होता है ये एक्सेल के बारे में आप कुछ जानकारी रखते हैं जी हाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जानता हूँ इसका प्रयोग डाटा की प्रविष्टि करना डाटा का विश्लेषण करना और डाटा को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है साथ ही ये प्रोग्राम गणित की कठिन से कठिन गणनाओं को अत्यंत शीघ्रता से पूरा करता है अच्छा ये बताइए पावर पॉइंट क्या होता है शोध लेखों शोध निबंधों प्रोडक्ट प्रोफाइल आदि व्यवसायिक प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए पावर पॉइंट अत्यंत उपयोगी है इस प्रकार के प्रस्तुतिकरण में श्रोताओं को सूचना देने के लिए स्लाइड्स का प्रयोग किया जाता है आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में टंकड़ कर लेते हैं जी इन दोनों भाषाओं में मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी है यदि आपकी नियुक्ति इस पद पर हो जाती है तो आप अपनी ड्यूटी कितने दिन में ज्वाइन कर सकते हैं जी अधिकतम दस दिनों में ठीक आप जा सकते हैं जी धन्यवाद मित्रों साक्षात्कार की इस छलक के बाद मौखिक अभिव्यक्ति की एक और विधा परिचर्चा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों जब किसी एक विषय पर दो या दो से अधिक लोग अपने मत प्रकट करें तो उसे परिचर्चा कहते हैं परिचर्चा में कार्यक्रम संचालक यानी कि एक मॉडरेटर एवं कई प्रतिभागी वक्ता होते हैं जो विषय विशेष पर अपने मत प्रकट करते हैं परिचर्चा में मॉडरेटर आवश्यकता अनुसार विषय को आगे बढ़ाने में मदद तो करता ही है साथ ही साथ परिचर्चा के अंत में उसका निष्कर्ष भी प्रस्तुत करता है उल्लेखनीय है कि हम आए दिन प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विभिन्न साधनों पर विभिन्न विषयों पर परिचर्चा पढ़ते देखते एवं सुनते हैं तो आइए देखते हैं ऐसी ही परिचर्चा की एक छलक दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदी के ऐतिहासिक संदर्भों को जानने समझने के क्रम में अपभ्रंश अबहट और पुरानी हिंदी का अप्रतिम महत्व है ठीक इसी प्रकार हिंदी के स्वरूप निर्धारण के क्रम में हिंदी की उपभाषाओं बोलियों और हिंदी के मानकीकृत रूप आदि की चर्चा भी यहां अपरिहार्य है हस्तु, परिचर्चा के प्रथम सत्र का प्रारंभ हम इसी चर्चा बिंदु यानी कि हिंदी के स्वरूप निर्धारण से करने जा रहे हैं और इस हेतु बतौर वक्ता हम आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर अलका ठुकराल जी को मैडम प्लीज धन्यवाद डॉक्टर पचौरी सुधीर हिंदी के स्वरूप की चर्चा के क्रम में हम अति संक्षेप में यह जान लें कि हिंद या भारत में बोली जाने वाली भाषा हिंदी कही जाती है ये इसका शब्दगत अर्थ है गौरतलब है कि शुरू शुरू में हिंदी के लिए कई और नाम जैसे कि हिंदुई या हिंदवी आदि भी प्रचलित रहे हैं मोटे तौर पर हम यहां ये जान लें कि पहले भी हिंदी हिंदू मुसलमानों की साझी रूप से भाषा थी पर ध्यान रहे कि तत्कालीन हिंदी में हिंदी हिंदुस्तानी दक्षिणी, रेखता उर्दू आदि सभी समाहित मानी जाती थी मित्रों आज के संदर्भ में यहाँ ये कहना अनुचित नहीं होगा कि हिंदी अब किसी प्रांत या भूभाग विशेष की भाषा नहीं है बल्कि ये भारत के विस्तृत भूभाग की भाषा है मैडम आजकल हिंदी के लिए तरह तरह के नाम उपनाम सुनने को मिलते हैं जैसे जैसे कोई कहता है अरे भाई ये तो ठेठ हिंदी है तो कुछ ये भी कहते सुने जाते हैं कि मैं खड़ी बोली हिंदी बोलता हूँ जी मैडम मैं इनकी बात से सहमत हूँ ठेठ हिंदी खड़ी बोली हिंदी के अलावा हिंदी के अन्य प्रकारों के बारे में भी हमें अक्सर सुनने को मिल जाता है शुद्ध हिंदी उच्च हिंदी नागरी हिंदी हिंदुस्तानी मानक हिंदी वगैरह वगैरह <laughs> ओके इन सभी प्रयोगों को एक एक कर समझने की कोशिश करते हैं हिंदी का पहला प्रकार है ठेठ हिंदी यानी वो हिंदी जिसमें बोलियों का पुट ना हो गौरतलब है कि ठेठ हिंदी अरबी फारसी और संस्कृत के प्रभाव से सर्वथा मुक्त होती है तो फिर आप लोग भला ये पूछेंगे कि इसमें आखिर किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग होता है ध्यान रहे कि इसमें बहुधा तत्भव कोटि के शब्द आते हैं कभी आप लोगों को यदि समय मिले तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की पुस्तक ठेठ हिंदी का ठाठ जरूर पढ़ें बहुत आनंद आएगा साथियों अभी आपने परिचर्चा की एक झलक देखी चर्चा में अब आगे बढ़ते हुए हम मंच संचालन की बात करेंगे आप तो जानते ही हैं कि विद्यालयों और महाविद्यालयों में समय समय पर वार्षिक समारोह गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस महापुरुषों की जयंतियां तिथियां आदि अनेक समारोह आयोजित किए जाते हैं इन समारोहों में छात्र विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं मंच संचालन इनमें से एक प्रमुख भूमिका है संचालक समारोह के प्रारंभ से अंत तक सक्रिय रहता है संचालक के रूप में उस पर कार्यक्रम को रोचक रूप से प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी होती है वह न केवल कार्यक्रम के एक बिंदु को दूसरे बिंदु से जोड़ते हुए उसे आकर्षक बनाता है बल्कि वो कार्यक्रम को पूर्णता भी प्रदान करता है दूसरे शब्दों में वो श्रोताओं की जिज्ञासा को आद्योपांत बनाए रखता है तो आइए देखते हैं बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम के मंच संचालन की झलक नमस्कार आज चौदह नवंबर है आप जानते ही हैं कि यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है और इसे हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं आज के कार्यक्रम में मंच पर आसीन माननीय प्राचार्य गण एवं सभा में उपस्थित आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं दसवीं कक्षा की छात्रा रीमा से अनुरोध करता हूं कि वह मंच पर आकर सरस्वती वंदना करें स्वतन्त्र र अमृत मन्त्र नव प्रिय स्वतन्त्र अमृत मन्त्र नव भारत मे भर

इस संगीत में सुमधुर सरस्वती वंदना के पश्चात अब कार्यक्रम प्रारंभ होता है अब मैं ग्यारहवीं कक्षा की छात्रा नंदिनी को अपनी कविता सुनाने के लिए आमंत्रित करता हूँ प्रभा सम उज्ज्वला स्वतंत्रता पारती हिमादृतुंग श्रृंग से शुद्ध भारती स्वयं प्रभा सम स्वतंत्रता पुकारती अमरत्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो वीर पुत्र हो जिन प्रतिज्ञा सोच प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो 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 बढ़े चलो, 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 चलो। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से भारती वाह क्या बात है वीर पुत्र हो बड़े चलो बड़े चलो नंदिनी की इस देशभक्ति पूर्ण कविता ने इस पूरे वातावरण को उल्लासमय बना दिया है इस उल्लासमय वातावरण के पश्चात अब बारी है समूह गान की प्रस्तुत है दीपाली एवं उनके साथियों का समूह गान हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब एक दिन कामयाब एक दिन मित्रों अंग्रेजी कविता वी शैल ओवरकम वन डे का सरस हिंदी अनुवाद है जिसने हम सब के मन में अभूतपूर्व आशा एवं विश्वास का संचार किया है तो साथियों उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो धन्यवाद मित्रों मौखिक अभिव्यक्ति का फलक व्यापक एवं विस्तृत है इस कार्यक्रम में हमने अब तक इसके कई आयामों का अवलोकन किया इस सार गर्भित जानकारी के बाद निस्संदेह आपको अपनी मौखिक अभिव्यक्ति पर कुशलता अर्जित करने के लिए एक सबल सैद्धांतिक आधार मिला होगा ध्यान रहे कि निरंतर अभ्यास से आप इस कौशल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर सकते हैं एवं लोकप्रिय बन सकते हैं वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे आपू शीतल होए नीति के इसी दोहे के साथ इस कार्यक्रम के समापन की बस अब यहीं अनुमति दीजिए धन्यवाद और नमस्कार